क्या दिता है कि मैं हूँ इन्हों की शान शान ही इस तो ज़्यादा ही कुछ कहना पड़ेगा मैं, लेकिन वो मैं वक्फे वक्फे नाल कहूँगा। ये वो जड़ा इन्होंने कहा वो जवाब यही कहना है, इन्नी तारीफ ना कर, इन्नी तारीफ ना कर, दिल भर जानी मेरी पमाल बहुत है जिंदगानी मेरी, ये जड़ी थोड़ी जी शराफत नज़र आती है तेनू बुनियाद इदी है नादानी मेरी। तो गल पंजाब की हो रही है, तो जिस तरह इन्होंने कहा मैं भी अपनी और राठौर साहब की तरफों तुहानू सारियां नू जी आया नू कहना, वेलकम कहना, खुश आमदेद कहना। तो बड़ी खुशी हुई कि तुसी इत्थे आ के ना सिर्फ साडा बल्कि पंजाबियों का मान वधाया। तो मैनू पूरी उम्मीद है कि जे तुसी साडे नाल रहे, सानू सपोर्ट दिती मार, तो असी वी विल टेक इट टू द नैक्सट लैवल। तो कोई चीज़ भी शुरू करन विच मुकम्मल नहीं होंदी, उहदे विच एक कोई ना कोई चीज़ यानी गुंजाइश होंदी है इंप्रूव करन दी। तो ये असी इनिशिएट कीता है, इस तो बाद तुहाडी राय जिहड़ी है वह बड़ी साडे लई काबले कबूल होएगी, बल्कि साडे लई बड़ी कारामद और मुफीद होएगी। तो ख्याल यही है कि असी रल मिल के इत्थे, क्योंकि उर्दू के मुशायरे भी होए, हिंदी के मुशायरे होंदे ने संधिया जी करांदियां ने, ते बंगाली भी कई महफिलां होईयां ने। ते उर्दू विच मैनू ख्याल आया कि अज तो तकरीबन 13-14 साल पहला इत्थे असी उर्दू अदब शुरू की सी, डॉक्टर रफीक साहब इत्थे मौजूद ने, राठौर साहब ने, होर भी साढ़े इत्थे दोस्त ने जिन्होंने मिल के ये पहला एक घर महफिल होंदिया सन, लेकिन असी सोचिया कि बाकायदा इहदा एक आगाज़ होना चाहिए और वो आगाज़ किया। और नाओ रब दे नाल, रब दी मेहरबानी नाल, दैट इज़ वेरी एस्टैबलिश। तो इसी तरह असी गल की सी, तो सानू ख्याल आया कि क्यों ना पंजाबी दे, जिस तरह राठौर साहब ने कहा कोई भी जबान जिहड़ी है बुरी कोई नहीं है, लेकिन वो कहिंदे ने जी पंजाबियों का थोड़ा जिहा एक ख्याल नाल लोग कहिंदे ने जी पंजाबी इतने कोई रिफाइन नहीं है। हालांकि मैं समझदा कि जो कुछ पंजाब विच है, कि वो किसी ने कहा ना कि चलते फिरते तुरते फिरते महताब दिखावांगा तैनू, तुरते फिरते महताब इत्थे बैठे ने, तुरते फिरते पंजाब दे महताब दिखावांगा तैनू, कदे मिली सानू पंजाब दिखावांगा तैनू। ते पंजाब दी ते मतलब गल ही हो रही, पंजाब दे लोग हसदे वसदे लोग ने, पंजाबी जबान ते बहुत कुछ किया जा सकता, लेकिन इस महफिल या इस मीटिंग विच नहीं असी उहदी गल तफसील नाल नहीं कर सकते, लेकिन बाद विच मैं थोड़ा उहदे बारे च गल करांगा। लेकिन एक बार फिर तुहानू सब नू जी आयां नू, ते मेरा ख्याल है असी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करिए। तो मैं दोबारा दावत देंगा जनाब राठौर साहब नू, एक कुछ सूफी एक कलाम पेश करनगे, ते रब दी शान च, ते प्लीज़ जरा गौर नाल सुनो, ते उस तो बाद असी जारी रखांगे। तो इस दे अलावा भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तुहाडे इच्छों, क्योंकि एक किस्म का बाकायदा कोई बहुत ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं है, इट्स जस्ट लाइक गैट टूगैदर, तो अगर कुछ पढ़ना चाहे या कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, तो असी बड़े खुशी नाल उन्होंने इतने कहन का मतलब है मौका देंगे। तो मैं राठौर साहब को फिर दावत दिना, राठौर साहब के बारे सिर्फ इतना कहा कि राठौर साहब ने तो बहुत कुछ किया है, कि ये जिस तरह इन्होंने किया तकरीबन 15-16 साल तो मेरी वाकफियत है, और बहुत ही बीबे बंदे ने, हुण इन्हां नाल साडी यारी ऐसी हो गई है कि मैं तो इन्हां नूं छड्डदा, ये मैनू नहीं छड्डदे। तो असी लैके जो चलांगे हुण, एक कीता इरादा तुहाडे लोगों का ताउन रहेगा, तो मैं जनाब राठौर साहब नूं इन्हां दी एक बहुत अच्छा लिखिया, मैं इन्हां नूं कहना इत्थे अटलांटा दे सूफी शायर ने, साढ़े अटलांटा दे, और बड़ा फखर है सानू इन्होंने कई यानी कुछ लिखे है
ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਫਿਆਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸੁਫਿਆਨਾ ਅਦਬ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬੂਰ ਔਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ